नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके डीके एकेडमी में। दोस्तों ये 19 सितंबर 2018 थर्ड शिफ्ट का पेपर है। तो दोस्तों ये व्हाट्सएप टेलीग्राम और दोस्तों की कम्युनिटी द्वारा जो कुछ क्वेश्चन मिल पाए हैं, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, फीफा में बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? तो जो अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड मवापे को मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है, आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये शशांक मनोहर जी हैं। दोस्तों ये चेयरमैन और राज्य के राज्यपाल वगैरह ये बहुत पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछे थे, सेकेंड शिफ्ट में भी कुछ क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों में माता पिता के कितने जीन आते हैं, यानी कि आधे आधे जीन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कैंपियन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है HRD मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, फाइनेंस कमीशन के चीफ कौन है? तो इसके इसके आंसर है कौन है, NK सिंह जी है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, SBI अपने बाकी 6 सहयोगी बैंकों के साथ किस वर्ष विलय हुआ था? ठीक है दोस्तों, किस वर्ष विलय हुआ था? ये 2016 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आता है, SAI के चेयरमैन कौन है? SAI के चेयरमैन कौन है दोस्तों? ये नीलम कपूर हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, त्वरण की यूनिट इकाई क्या होती है? त्वरण की यूनिट इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों अभी यूनिट में क्वेश्चन इस थर्ड शिफ्ट में आया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई? तो मोसले ने बनाई। दोस्तों अभी इसके पहले क्वांटम संख्या भी पूछा था कि क्लोरीन कितने उसके परमाणु संख्या है, ये सब पूछ रहा है। तो आप इस केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन हैं तो पढ़ते जाइएगा। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, इसलिए आप जितने भी एग्ज़ाम के पेपर हो चुके हैं, 3 दिन हो गए, तो उनको एक बार रिपीट करके ही जाइएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने वाले कौन से भारतीय हैं? तो इस दोस्तों आपको पता ही होगा, ये रोहित शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, 10 सितंबर 2018 को यदि सोमवार है तो 144 दिन बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों आपको इसको आप कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट कर सकते हैं, ये रीजनिंग का सवाल था। फिलहाल दोस्तों मैं बता रहा हूँ, इसमें शुक्रवार था। ठीक है, इसका आंसर शुक्रवार होगा। नेक्स्ट आता है, कोबाल्ट की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 होती है। दोस्तों इसके पहले मैं भी बताया था कि परमाणु संख्या के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, लिंबाराम किस खेल से संबंधित है? तो लिंबाराम किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों, अरावली रेंज कहाँ पर स्थित है? तो अरावली पर्वत या अरावली रेंज है ये, अरावली रेंज राजस्थान पे स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ क्वेश्चंस, इसके थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं, तो बस फिलहाल इतना ही। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अन्य पार्ट जो हमने बनाया है ना, 2-3 दिन का हो गया, तो उन पार्टों को जरूर देखिएगा। ये 19 सितंबर 2018 का थर्ड शिफ्ट का है, ग्रुप डी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग जी के डी के अकेडमी।